जामिन हुसैन बखर नुमाइंदा वॉइस ऑफ रोही न्यूज रुझान की रिपोर्ट के मुताबिक रूदकोही के सैलाब से रुझान सिटी की कच्ची आबादियों के बेघर होने वाले मकीनों ने कमेटी चौक रुझान पर पीटीआई के वर्कर मलिक आयूब और पीटीआई के रुझान सिटी के रहनुमा शेर लंग मजारी की क्यादत में कच्ची आबादी के मकीनों ने भरपूर एहतजाज किया। तासिर ने सैलाब कच्ची आबादी का कहना है कि 6-7 दिन गुजर गए, हमारे घर रूदकोही के सैलाबी पानी में डूब गए, घर से बेघर हो गए। खवातीन नुआइजदा शीरखोर बच्चे जिनके पास दूध तक नहीं, तहसील इंतजामिया की जानिब से राशन कच्चा हमें खयाम तक मुयस्सर नहीं किया गया। मुतासरीन कच्ची आबादी के मकीनों की कसरे तादाद एहतजाज में शरीक थे। तहसील इंतजामिया मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारे एहतजाज करने वालों का कहना था, हमारे बच्चे टीबी अस्पताल रुझान बंद रोड ता हबीब शाह दरगाह तक। मुतासरीन सैकड़ों की तादाद में खवातीन मर्द बच्चे बूढ़े जवान चिलचिलाती धूप में बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठे अजियत का शिकार हैं। एहतजाज करने वालों ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया। ये हमारी टीबी अस्पताल से लेके हबीब शाह तक किसी ने किसी को राशन नहीं दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ सरदार जाहिद महमूद जमादारी को कि कल वो उसने अब्दुल रसूल साहब ये खड़े हैं, इनको 15 देंगे भी, आज भी खाना तैयार हो रहा है उनके लिए। अरे हमारे मलकू ने क्या किया, हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? हम MPA MPA से अपील करते हैं, अपील करते हैं शमशेर खान मरारी से भी अपील करते हैं कि हमारे लोगों को टैंक दिए जाए जी, पानी दिया जाए जी, जैसा कि ये अपना मोहम्मद अयूब एक शहरी है रुझान के, वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त रुझान के जितने भी सियासी क़यादत है, जितने भी हमारे तमन चीफ मदारी हैं, इनके अलावा कोई भी यहाँ पर आवाम के जो मुतासरीन है सिटी के, जो सिटी अच्छी आबादी के मुतासरीन है, उनको अभी तक राशन और टेंट्स फराहम नहीं किए गए, जबकि चल चलाती धूप में इस वक्त इनके बच्चे अताब का शिकार हैं। जामिन हुसैन बखर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, रोज नमन नया कल रुझान।